ग्रीनिच मेरिडियन है ना, तो ये ग्रीनिच से हम क्या करते हैं, अपने कैंटी का टाइम को कैलकुलेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करने का, सेकंड चैप्टर में तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो टू आ लिखा हुआ, मतलब ये ग्रीनिश मीन टाइम से दो घंटा क्या पीछे है, ये तीन घंटा पीछे है ना, और ऐसे ये भी चार घंटा ये पांच घंटा पीछे है। तो ये एरिया में एक टाइम फॉलो होता है ब्राजील में, ये एरिया में एक टाइम फॉलो होता है, ये एरिया में एक अलग टाइम फॉलो होता है, ये एरिया में अलग टाइम फॉलो होता है। हमारे इंडिया में पूरे इंडिया में एक ही टाइम फॉलो होता है, लेकिन ब्राजील में क्या हो रहा है, तीन टाइम फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फॉलो कर रहे हैं ब्राजील में। तो यहाँ पे मोर मीडियम में दिया हुआ है, इतना फर्क हो रहा है। दो घंटे का, तीन घंटे का जीएमटी से फर्क, ओके, ग्रीनिश मीन मेरिडियन जो माइनस टू लिखा हुआ है, मतलब उसके पीछे चल रहा है। तो ये टाइम इधर का ज्यादा रहेगा, मतलब दिखता, मतलब अगर यहाँ पे 8 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, ये पीछे जा रहा है, यहाँ पे 7 बज रहा है या 6 बज रहा है या 5 बज रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और पीछे जा रहा है टाइम। यहाँ पे एक एरिया में टाइमिंग इज मोर फार अहेड, तो दो एरिया का जो डिफरेंस है टाइमिंग का कितना है, 2 hours 48 minutes डिफरेंस है ये एरिया और ये एरिया में डिफरेंस है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया, नेसा नेसेंटा डो डियो मो, और यह एरिया का नाम है पोंटो डी सैंटोस। ये दोनों नाम है एरिया का, एक्सट्रीम पार्ट है ब्राजील का, और डिफरेंस क्या टाइमिंग का दोनों पार्ट का, 2 hours 48 minutes इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू एरिया। तो ब्राजील है 4 time zone, 1, 2, 3, 4 time zone it is। अब ये एरिया में एक टाइम है, ये एरिया में अलग टाइम रहेगा, वो एरिया में अलग, और ये एरिया में अलग टाइम रहेगा ब्राजील में। इंडिया में सारे इंडिया में एक ही टाइम हो रहा है, यहाँ पे अभी जो टाइमिंग हो रहा है 11 बज रहा है, तो पूरे इंडिया में 11 ही बजेगा। रेड लाइन क्या हो रहा है, रेड लाइन जो शो कर रहे हैं ये ब्राजील के बीच से किया है, और रेड लाइन ये हमें दिखा रहे हैं कि ब्राजील का टाइमिंग क्या हो रहा है, ब्राजील का टाइमिंग जो ये ऑफिशियल टाइमिंग ब्राजील का रहेगा ये रहेगा, जो कि ब्राजीलिया के कैपिटल से पास हुआ है। दिस द रेड लाइन इज शोइंग, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ब्राजील, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन ब्राजील आर वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। अब एक क्या है, एक जगह से दूसरा जगह जाना ब्राजील में दिक्कत है, तो क्या करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम उसको बहुत अच्छा रखे, ताकि पब्लिक को क्या करते हैं जस्ट कम्युनिकेट करके क्या कर सकते हैं अपना जो भी है हॉट है सर्विस है वो क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज देखो बहुत सारे बिजनेस क्या हो रहे हैं, जस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पे, ऑनलाइन सिस्टम पे चलता है, ईमेल कर दिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, उसके थ्रू मीटिंग ले रहे। इंडस्ट्री इंक्लूड लैंडलाइन एज वेल एज मोबाइल सर्विस, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस, ये सब बहुत ज्यादा दिया गया है, क्योंकि ब्राजीलियन के पास सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत ज्यादा है। एवरेज ब्राजीलियन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एवरेज अमीर आदमी उनसे ज्यादा पैसे वाले, एवरेज मिडिल क्लास ब्राजीलियन, इंडिया के जो अमीर आदमी है, एवरेज अमीर आदमी है, रिच पीपल, उनसे ज्यादा पैसा रखते हैं, क्योंकि वो दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, उनके पास हर चीज वो क्या कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। 45% ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन है क्या है, वो इंटरनेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये एरिया में जो बहुत ही डेंस पॉपुलेशन नहीं है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, डेंस फॉरेस्ट है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ना इतना बड़ा सिटी है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है बहुत ही पुअर है ये एरिया में, दिस एरिया में।
क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड एरिया, यहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इस रीजन से यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है। Now once again, mobile people have led rapid expansion of telecommunication system in Brazil. The nature of Brazilian territory, especially the land mass size and the large pocket of unpopulated and dense vegetated area, made significant impediment to the communication system. अब वही बताया यहाँ पे कि population कम है, वहाँ पे एरिया में पहुँचना कम है, पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये सब रीजन, ये सब इम्पीडमेंट है, ऑब्जेक्शन है क्या, जिसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को फैलाने के लिए ब्राजील में। अब ब्राजील क्या कर रहा है, खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, तो अपना रॉकेट स्पेस में डाल रहे और कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। अब इंडिया क्या है, लार्ज स्टेट है इंडिया का, ये तो एक्सट्रीम पोजिशन इंडिया का, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, 2 घंटे का फर्क है। आप इंडिया का ईस्ट पार्ट से और वेस्ट पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 2 घंटे का फर्क हो रहा है। ब्राजील में कितने घंटे का था, 2 घंटा 48 मिनट, 2 आवर 48 मिनट का डिफरेंस था, यहाँ पे सिर्फ 2 आवर का है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कही है कि कंफ्यूजन नहीं हुआ, वी इंडियंस आर नॉट सो फार अहेड, तो हम लोग क्या करते कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या करते, पूरे इंडिया में एक ही टाइम फॉलो होता है जो कि 82 डिग्री 5 मिनट है लॉन्गिट्यूड, ये वाला टाइम फॉलो करते हैं। ये मिर्जापुर है जो कि इलाहाबाद के नियर बाय, वहां से ये पास हुआ है लॉन्गिट्यूड, इसको इंडिया का टाइमिंग माना जाता है। यहाँ पे जो टाइमिंग होगा मिर्जापुर में वो सारे इंडिया में वही टाइम फॉलो किया जाएगा। दिस इज द 82 डिग्री 5 मिनट इज द ब्रिटिश वाले क्या रहेंगे, 5.5 घंटा वो पीछे हमसे, वहां पे अभी यहाँ पे 11 बज रहा है तो वहां पे अराउंड 6 बज रहा होगा। Yes, everyone. अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडिया में आया तो जूम क्या हो गया, इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या बहुत ही अच्छा हो गया अलहमदिल्ला, और इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रिटिश के टाइम से डेवलप हुआ था, तो ये धीरे धीरे और ज्यादा अच्छा हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करी, डिजिटल को कॉमन करने के लिए इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस को बहुत ही सस्ता किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, यूज करें। अब इंडिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एंड इंटरनेट इन द वर्ल्ड नाउ, इस वजह से इंडिया के पास खुद का सैटेलाइट है ना, रशिया के लिए इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट बनाता है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो आसानी हो जाता है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट वजह से वेदर फोरकास्टिंग ये सब भी ईजी हो जाता है इंडिया में। तो ये था हमारे जो लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी, दिस इज चैप्टर इज ओवर, वी हैव फर्स्ट चैप्टर पेंडिंग एंड दैट चैप्टर इज स्टोरी लाइक, कि बच्चे पिकनिक पे जा रहे तो इंशाल्लाह ऑल द स्टूडेंट विल कम टू वी विल डिस्कस। तो हमारे ज्योग्राफी का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह ओवर हो गया, अल्लाह का शुक्रिया। तो वी हैव इन द फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, फुल चैप्टर्स आएंगे ज्योग्राफी में इंशाल्लाह। तो आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन करो ज्योग्राफी का, और कुछ भी क्वारी रहेगा आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।